बॉलीवुड इंडस्ट्री में तीन खान्स काफी फेमस है, लेकिन एक खान ऐसे भी हैं जो काफी अंडररेटेड थे 2010 रोमकॉम के जमाने में। पर वो कहते हैं ना कि किसी चीज की कीमत उसे खोने के बाद ही पता चलती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे इमरान खान के साथ। लेकिन अपने फैंस की रिक्वेस्ट पर इमरान खान इज गोइंग टू मेक अ कमबैक इन द इंडस्ट्री। क्या है इस नए प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, इट्स मी प्रशा और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट और न्यूज से जुड़ी सभी अपडेट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन अनकट। इमरान खान साल 2015 में अपनी लास्ट फिल्म कट्टी बट्टी में दिखे थे अलोंगसाइड कंगना रनौत। ये फिल्म कब आई कब गई उसका पता नहीं, बट इस फिल्म का गाना लिप टू लिप वॉज अ चार्ट बस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मगर अब इमरान खान बॉलीवुड में अपना कमबैक करने वाले हैं आफ्टर अ 9 ईयर ब्रेक, जो उनके करियर का एक मेजर ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। इस फिल्म में इमरान खान अपने मैटरनल अंकल और मेंटोर आमिर खान की गाइडेंस के अंडर ये फिल्म पर काम करेंगे। एंड आमिर खान बीइंग द सपोर्टिव अंकल ही इज, जैसे उन्होंने इमरान खान को ऑडियंस से एज अ चाइल्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था इन द फिल्म कयामत से कयामत तक इन 1988 एंड देन द एवरग्रीन जाने तू या जाने ना इन 2008, वो इस प्रोजेक्ट में भी उनकी मदद करने वाले हैं। इमरान खान ने रिसेंटली कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस देना शुरू किया था इन द कॉलेज फेस्ट, जहां वो लोगों के लिए उनके फेवरेट गाने गाते भी नजर आए थे। जाने तू या जाने ना, माने तू या Now that if we look back at it, हो सकता है कि ये उनकी PR टीम का एक स्मार्ट मूव हो before making this big announcement of Imran's comeback. इमरान खान ने अपना ये कमबैक प्रोजेक्ट ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है अकॉर्डिंग टू अ फ्यू मीडिया रिपोर्ट्स। वो अपने इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में हैप्पी पटेल का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे और ये फिल्म एक लाइवली कॉमेडी होने वाली है, विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान प्रोडक्शंस। इस फिल्म की शूटिंग गोवा में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एक इंडस्ट्री के इनसाइड सोर्स से हमें ये भी पता चला है कि कैसे इमरान ने फाइनली अपना ये प्रोजेक्ट लॉक कर दिया है और इस फिल्म में उनका कैरेक्टर उनके प्रीवियस कैरेक्टर्स की तरह काफी रिफ्रेशिंग और कॉमेडी सेंट्रिक होगा। नाउ एज समवन जिसने इमरान खान को सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स में एज अ गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी वाला एक्टर देखा है, उनका ये कॉमेडी फिल्म करना एज हिज कमबैक, आई डोंट नो कितना बेनिफिशियल होने वाला है। ऑल्सो हैप्पी पटेल, सीरियसली फॉर मी आदि वाइफ तो ये नाम सुनकर ही मर गई। What do you think about this? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीर दास, who is a very famous stand-up comedian in India and internationally, वो भी इस फिल्म का पार्ट होने वाले हैं। इससे पहले हमने इस डुओ को 2011 में आई ब्लैक कॉमेडी दिल्ली बेली में भी देखा था एंड वो फिल्म अपने आप में ही एक मास्टरपीस है भाई। मगर The twist is that Veer Das इस फिल्म में एज अ डायरेक्टर काम करने वाले हैं और ये वीर दास का एक डायरेक्टोरियल डेब्यू भी होने वाला है। अपने 17 साल के एक्टिंग करियर के बाद वीर दास विल बी डायरेक्टिंग दिस फिल्म और ये फिल्म भले ही उनकी एक बड़ी डायरेक्टोरियल डेब्यू होने वाली है, बट वेरी लेस पीपल नो कि उन्होंने एक वेब सीरीज में भी एज अ डायरेक्टर पहले काम किया है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। सो देयरफॉर ये कहना सही है कि ये फीचर फिल्म वीर दास की डायरेक्टोरियल डेब्यू होने वाली है विद इमरान खान। और अगर इस फिल्म की एक्ट्रेस की बात करूं तो मोना सिंह, जिनको आपने कई टीवी सीरियल्स और फिल्म्स लाइक 3 इडियट्स और लाल सिंह चड्ढा में भी देखा होगा, वो भी इस फिल्म में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती नजर आएंगी। हाँ, बट इस फिल्म की लीडिंग लेडी कौन है उस पर अभी कोई भी अपडेट्स नहीं आए हैं। अब यार आप ही मुझे बता दो, आप इस फिल्म में ऑपोजिट इमरान खान किसको देखना चाहोगे? प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्योंकि मेरी दुआ सिर्फ यही है कि ये रोल किसी को भी मिले बट सारा अली खान को ना मिले। एंड बिकॉज इमरान इज सो स्पेशल, आई वुड रियली लाइक टू सी अ वेरी बबली कास्टिंग फॉर इट। फिर वो चाहे अनुष्का शर्मा ही क्यों ना हो, बट नॉट हैरी मेट सेजल वाली अनुष्का। आई वॉन्ट ए दिल है मुश्किल और रब ने बना दी जोड़ी वाली अनुष्का बैक। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान भी इस फिल्म में अपना कैमियो करने वाले हैं। ऑल्दो ये रिपोर्ट्स अभी तक कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है कि अपनी फिल्म को एक मार्केटिंग पुश देने के लिए दिस माइट बी अ स्मार्ट मूव। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आखिर इस फिल्म के आने वाले अपडेट्स क्या होने वाले हैं और स्पेशली ये टीम किसको कास्ट करती है ऑपोजिट इमरान खान। आप इमरान खान के इस कमबैक को लेकर कितना एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपकी फीड पे आती रहें, देन यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट।